से मन में थी जाने की, प्रोग्राम बन ही नहीं पा रहा था। बच्चों के सामने भी सोचा था कि जाएंगे, लेकिन बना ही नहीं प्रोग्राम। दादी जी भी आई है प्रथम की आराध्या की। दादी जी आप भी नमस्ते करो। दादी जी दादी जी नमस्ते कर रही है, आप सबको हेलो कर रही है। आपको भी लेके चलते हैं बालाजी के मंदिर में। रेड लाइट हो गई है फ्रेंड्स, वेट करते हैं तब तक। आप भी ट्रैफिक देख लो, और इस टाइम शाम का मौसम है तो बहुत ही प्लीजेंट वेदर है। शाम का टाइम क्लाउडी वेदर है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लग रहा है कहीं ना कहीं बारिश हुई होगी, और हमने गाड़ी में एसी नहीं चलाया, शीशा वगैरह नीचे कर लिया है। एंजॉय करते हैं ठंडी हवा का, और धूल भरी मिट्टी वगैरह भी नहीं उड़ रही है। कई बार हम मिट्टी वगैरह आती है तो ही हम विंडो वगैरह बंद कर लेते हैं, यानी कि शीशा विंडो तो बंद करनी ही पड़ती है। विंडो का मतलब है शीशा, उतार रखा है नीचे विंडो का। और आप देख सकते हो सड़क के दोनों ओर पेड़ पौधे, हरियाली ही हरियाली। इस टाइम तो बहुत ही अच्छा मौसम है, और लग रहा है कहीं ना कहीं बारिश हुई होगी, जो इतनी ठंडी हवा चल रही है। ये फ्लाईओवर आ गया है फ्रेंड्स, इसके नीचे रेलवे लाइन है, ऊपर से ये ट्रैफिक बस कार वगैरह ये जाती है। और बस ये फ्लाईओवर जैसे ही ख़त्म होगा मंदिर आ जाएगा बालाजी का। और एक मेरी फ्रेंड हैं जो यूट्यूब पे बनी हुई है मेरी फ्रेंड, उन्होंने एक बार वीडियो डाली हुई थी अपनी, उस वीडियो में उन्होंने दिखाया था कि हम सोनीपत बालाजी के मंदिर में गए घूमने, देखने गए मंदिर में। मैंने कहा आप आए नहीं हमारे घर, कहते मुझे पता नहीं था। ये टेंपल आ गया है फ्रेंड्स, आसपास देखो कितनी भीड़ है। आज शायद कोई स्पेशल डे ही होगा, पूछते हैं क्या है आज इतनी भीड़ है। तो पहले हम आते जाते थे इतनी भीड़ नहीं देखी मैंने। गाड़ी पार्क करने के लिए गए हैं, आसपास तो बहुत भीड़ है, थोड़ा सा और दूर जाकर गाड़ी पार्क करेंगे। ये दादी जी खड़े हैं, मैंने कहा चलो आप देख लो इतने तक, और साइड में अपने शूज़ वगैरह निकालेंगे कहीं, तब तक सर भी आ जाते हैं, वेट करते हैं। प्रसाद भी लाएंगे, क्या प्रसाद चढ़ेगा, मिलता है सारा प्रसाद वगैरह, बेचने लग रहे हैं शॉपकीपर हैं यहाँ। ये देखो ये बड़े बड़े बर्तन रखे हैं, पता चला है कि अगले दिन यहाँ पर भंडारा है, तो उसी की तैयारी चल रही है। ये बर्तनों को धोने लग रहे थे, हमने यहाँ पर पूछा कि क्या है, कहते द्वादशी जिस दिन होती है उस दिन ज़्यादा मान्यता होती है यहाँ पर, इसलिए भीड़ है। अब अंदर आ गए हैं मंदिर में, सर अभी आए नहीं है प्रसाद लेकर, ले आएंगे क्या प्रसाद चढ़ता है यहाँ पर पता नहीं, हमें पहली बार आए हैं हमें पता नहीं क्या प्रसाद चढ़ेगा, लेकिन जो भी मिलता होगा ले आएंगे सर। दादी जी और मैं अंदर आ गए थे, मैंने कहा चलो तब तक हम अंदर चलते हैं, देखते हम भी लाइन में लगेंगे, सर की वेट करते हैं। अभी पूजा पाठ होने लग रही है, और मैंने जो इसमें भजन वगैरह चल रहा था जो भी, वो मैंने नहीं सुनाया आपको, डर लगा रहता है कि, इसलिए मैंने उसको हटा दिया था। अपनी ही आवाज़ में आपको बता रही हूँ मैं, भजन वगैरह चल रहे थे इसमें, तो जानबूझकर नहीं मैंने वो डिलीट कर दिए थे भजन, तो इसलिए आप देखो दर्शन कर लो सामने से भगवान के। जय हो बालाजी, लाइन में लग रहे हैं लोग, भीड़ काफ़ी भीड़ है, हमें भी लाइन में ही लगना पड़ेगा। ये दान पत्र है, यहाँ पर डाल रहे हैं लोग पैसे, इसमें सराते ही होंगे। सर आ गए हैं, हम लाइन में लग गए हैं, फिर पीछे की साइड से डोर है वहाँ लाइन में लगना पड़ता है। दादी जी भी आ रहे हैं, मुझे तो चिंता हो रही थी दादी जी की भी, पता नहीं इतनी देर तक इनसे खड़ा हुआ जाएगा या नहीं हुआ जाएगा। पहले मैंने इसे पूछा आप बताओ खड़े हो सकते हो क्या,
तो वही बात है, श्रद्धा होती है इंसान की। लेकिन मैं ये कह रही थी कि बुजुर्ग लोगों के लिए वैसे ना स्पेशल होना चाहिए, इतनी देर तक खड़े नहीं हो सकते बुजुर्ग लोग। चुलाई के लड्डू होते हैं शायद, वो लड्डू हैं, चुलाई के लड्डू हैं, फूल हैं, गुलाब का फूल है, ये ले आए थे सर हम तीनों के लिए। सभी लोग यही प्रसाद ले रहे थे, पंखे लगे हुए हैं वैसे तो, और छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हुए हैं लोग पूजा करने। पूजा करने के बाद थोड़ी देर बैठ गए थे फ्रेंड्स, आराम से बैठकर 2 मिनट भगवान का नाम लेते हैं, और दादी जी को भी बिठा दिया था मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया है उनको खड़े खड़े। ये चेयर पर दादी जी बैठे हैं, दादी जी को चेयर पर बिठा दिया था, चेयर वगैरह भी रखी हुई है बुजुर्ग लोगों के लिए या जो नीचे नहीं बैठ सकते, और वैसे गद्दे वगैरह थे नीचे बैठने के लिए, हम दोनों तो नीचे ही बैठ गए थे, दादी जी को चेयर पर बिठा दिया था। वैसे दादी जी एक्टिव है, काम तो करते रहते हैं, लेकिन चलने में थोड़ी दिक्कत, सांस जल्दी फूल जाता है इनका, बस यही चिंता थी मुझे, आराम से दर्शन करवा दूँ इनको मैं। इतनी देर तक लेकिन ठीक रहा है ना, हाँ ठीक रहा, पंखे वगैरह लगे हुए हैं तो इतना दिल नहीं घबराया, गर्मी में भी घबराते हाँ, नहीं तो अगर वैसे तो दिल घबरा जाए नीचे के जाए। और शिरडी जाते हैं ना, शिरडी के साईं बाबा मंदिर में भी ऐसे जैसे घूम घूम के, अब गए थे ना हम, ऐसे ही है वहाँ शिरडी में भी, ऐसे घूम घूम के एक होल है उसी में ही चक्कर लगाते रहते हैं, वहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है, दिल घबरा जाए इंसान का, एक कमरे में ही 5-6 घंटे घूमते रहे, 5-6 घंटे लग जाते हैं, लंबी लाइन लगती है, हम तो 3-4 बार जा लिए शिरडी, लास्ट में तो मेरा ऐसा हुआ जैसे ऑक्सीजन की कमी होगी मेरे अंदर और दिल घबरा गया मेरा तो, गर्मी भीड़ ज्यादा होती है, छोटे बच्चों के साथ उस टाइम तो एक बार गए हम शुरू में तो अद्वे अरध्या ये सारे छोटे थे बच्चे, इनको गोदी उठा के चलना, और मान ले किसी बच्चे को पानी की जरूरत हो उसको सपोर्टी आ जाए बाहर निकलना पड़ जाए तो बहुत ही मुश्किल था उस टाइम वहां पर, लेकिन वही बात श्रद्धा होती है तो इंसान जाता ही है, जहां पर भी भीड़ तो होती है, खैर ऐसे मंदिर वगैरह में जहां भी जाते हैं तीर्थ स्थान होते हैं वहां भीड़ तो होती ही है, तो दिल भी घबरा ही जाता है मेरा तो बहुत ज्यादा दिल घबरा जाता है जल्दी ही भीड़ देख कर। आज कल है भंडारा, एकादशी को होता है ज्यादा, तो 2 दिन तक खूब भीड़ रहेगी, तैयारी करने लग रहे थे वैसे, कढ़ाई वगैरह बर्तन साफ करने लग रहे थे भंडारे के लिए। चलो फ्रेंड्स घुमा दिया आपको आज के व्लॉग में, इतना ही, पहुंचते हैं घर, मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, बाय 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 फ्रेंड्स।